देखो साउथ इंडस्ट्रीज वाले ना टीजर ट्रेलर को शाम को डालते इवेंट ऑर्गेनाइज करके, वहीं बॉलीवुड वाले जब जगह मिल जाए तब डाल देते, बट भोजपुरी इंडस्ट्री का भाई इनमें से एकदम हटके, क्योंकि ये लोग भाई जब सुबह 6 से लेकर 7 बजे टीजर ट्रेलर डालते। अब इसको या तो आप लोग पंचुअलिटी कहो या सुबह रेलवे का वाईफाई फास्ट चलता है वो कहो, बट फाइनली भोजपुरी इंडस्ट्री दुल्हन चाहे पाकिस्तान से पार्ट 10, निरहुआ चल लंदन, देवर के लुंगी में तेवर, लहंगा उठाए देव रिमोट से, ब्लाउज में हॉटस्पॉट से बाहर निकल के अब ये इंडस्ट्री अपने आप को सीरियसली लेने की कोशिश कर रही है, जिसको देख के भाई साहब बहुत खुशी हो रही है। अब मैं और मेरे पिताजी ना दर्जनों भोजपुरी पिक्चर देखे हैं एंड मैंने एक चीज नोटिस किया कि भाई साहब इनकी कहानी एकदम कॉमन सी रहती है, बस हीरो हीरो का कपड़ा बदलता रहता है। अब स्टोरी तो वही रहती है जहां पर 10 गैलन का हीरो रहता है, डबल एक्सल वाली हीरोइन रहती है, और उसका ही बाप विलन रहता है जो अपनी बेटी का रिश्ता हीरो से करने नहीं देता और एंड में मान जाता है, और बीच बीच में पाव पाव किलो आइटम नंबर सॉन्ग। अब देखो ये सारे चीज को देखकर रवि किशन जी ने भी नोटिस किया, इसलिए उन्होंने अपना लहंगा वाला रिमोट भी घुमा दिया एंड बोला कि अब ये सारी गंदगी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो गया कि आज के टाइम पे छोटी से छोटी इंडस्ट्री की भी फिल्में देखकर ऑडियंस थिएटर में खड़े होकर तालियां बजा रही है, वहीं हमारी इंडस्ट्री खड़ा करने वाला आइटम नंबर बना रही है, तो ये सब गंदगी बंद करनी पड़ेगी। अब देखो आज के इस वीडियो को आप लोग जज करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री मैथिली इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही बजट की कमी है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच की, क्योंकि देखो अगर इनकी सोच अपने कंटेंट को लेके पहले से ही बहुत ही अपडेटेड रहती थी ना तो भाई साहब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी को बॉलीवुड में आना नहीं पड़ता एक्टर बनने। एनीवेज भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से सुबह 7 बजे एक टीजर आता है, शायद से ये पैन इंडिया पे ला रही ये लोग फिल्म जिसका नाम है हर हर गंगे स्टारिंग पवन सिंह। अब देखो यार ये टीजर को मैं देखा और ये टीजर मेरे को बता रहा है कि भाई साहब इसमें मैं तेरे को 10 चीज दिखा रहा हूं, तू ट्रोल कर, तू एंजॉय कर, तू रोस्ट कर, मगर अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो ये टोटली ना इंसाफी हो जाएगा, क्योंकि यार देर तो देर सही ये इंडस्ट्री आज अपने आप को सीरियसली तो ले रही है एंड अपने पुराने कामों से हट के कुछ तो नया लाने की ट्राई कर रही है, तो भाई साहब टोटली डिजर्व करता है हर एक सपोर्ट ताकि इनको मोटिवेशन मिले एंड ये अपने कॉन्टेंट पर ध्यान देना शुरू करे। एंड अगर आप लोग भी मोटिवेशन मेरे को देना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। अब अगर हर हर गंगे टीजर को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि भाई साहब इंस्पिरेशन लेता हुआ कंप्लीट नजर आता है KGF कांतारा RRR से, बाकी अपने आप में एक क्वालिटी भी लाता है अपने इंडस्ट्री के पुराने फिल्मों से तगड़ा, और दूसरी बात पवन सिंह मिस्टर बीस्ट को एकदम जानदार और शानदार और इतना मासिव वे में प्रेजेंट किया जो लिटरली गूज़बम्प्स दे ही देता है। लेकिन अगर टीजर के एंड में वो मगरमच्छ नहीं आता तो भाई साहब टीजर और बेहतर साबित हो जाता था, क्योंकि वो मगरमच्छ नहीं मगर क्यों है, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब वहां पर VFX का VF सेक्स हो गया। बाकी साउंड डिजाइन थोड़ा गड़बड़ घोटाला है लेकिन डायलॉग का इंपैक्ट फाड़ डाला है। अब यार पवन सिंह इस अवतार में आ रहे, मतलब अक्षरा सिंह क्राइंग इन द कॉर्नर, और सॉरी गलती से जानबूझ के बोल दी। सो ओवरऑल हर हर गंगे का टीजर इंडस्ट्री के पुराने फिल्मों के मुताबिक एक ढंग का टीजर नजर आता है एंड बेहतर क्वालिटी लेकर भी आता है। बाकी अंत में हम यह कहो यार हमारा तो दिल खोल सपोर्ट हो ये टीजर ट्रेलर के सबके यार, लेकिन तू सब हमरो वीडियो शेयर सब्सक्राइब कर दे तब हमू के सपोर्ट मिल जाए, ताकि हमू इनके सब सपोर्ट करत रही यार, तब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे यार, तो छोट भाई मिल जाए अगले वीडियो में, बाय।